श्री भागवत मान जी पर श्रीमान माननीय सीट पर जाए और श्रीमान जितना आपने टोका टुकी करिए ना उसके लिए मैं माफी चाहता बात बात पे मेरा प्रधानमंत्री कुछ मेरा नहीं अब चलो सबके मोदी आपने मुझे मौका दिया अन अधिकृत कॉलोनियों को जो नियमित करने का ये बिल है मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं मैं सपोर्ट में हूं हालांकि मेरी पार्टी की सरकार अब मेरी हमारी हमारी पार्टी की सरकार आम आदमी की लेकिन 7,500 करोड़ मान्यवर 7,500 करोड़ वहां पे खर्च कर दिया यहां यहां पानी ही नहीं पहुंचा था 70 साल से पानी नहीं पहुंचा था वहां पे जहां पे टैंकर माफिया था नहीं नहीं टैंकर माफिया था तो यहां तो फिर कांग्रेस और दोनों की थी ना हमारी पार्टी की सरकार तो सिर्फ पिछले तो नहीं आई है ना पिछले कुछ सालों से तो अब दिल्ली के सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई जो है वो ऐसी कर दी अरविंद केजरीवाल ने कि एक जज का बेटा एक डीसी का बेटा और एक रिक्शे वाले का बेटा एक बेंच पर बैठकर तीनों पढ़ते हैं तीनों तीनों एक बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हैं तो ये कह रहे हैं जी ये हो गया सर 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 इन इनको इसका मतलब इनको जानकारी नहीं है इसका मतलब इनको जानकारी नहीं है अरविंद केजरीवाल ने वो काम कर दिया जो इनको पता ही नहीं हाँ दुख बहुत है भाई इनको दुख है क्योंकि वो दिल्ली नहीं जाएगी अगली बार भी दिल्ली जीत रहे हैं हम तो क्या करें फिर अब देखो ये मेरी कर रहे हैं दिल्ली इनकी नहीं है दिल्ली अब इनकी नहीं है राजधानी में 3 MLA हैं राजधानी में 3 MLA मान्यवर राजधानी में 3 MCD किसकी है DDA किसका है वो सब आपका है अब रविदास का मंदिर तोड़ देते हो सब कुछ हो जाता है तो अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है बैठिए विदुड़ी साहब आराम से बैठिए मतलब मान्यवर मतलब राजधानी में 3 MLA के घर कांग्रेस का तो कोई भी नहीं है कांग्रेस का तो सदस्य मान्य सदस्य मतलब दिल्ली में तो मान्य सदस्य दिल्ली में मान्य सदस्य प्लीज एक मिनट बैठिए माननीय सदस्य को बोलने दे और माननीय सदस्य आपसे आग्रह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय तो आप पॉलिटिकल भाषा बोल सकते हैं नहीं आप इस विधेयक पर बोलिए हाँ विधेयक पर बोलिए 20,000 लीटर पानी फ्री कर दिया 16 लाख घरों का जीरो बिल आया तो किसने किया ना जी अरविंद मतलब पूरा दिल्ली को देश समझ लिया उन्होंने जो आता है दिल्ली सर मान्यवर मेरा आपसे आग्रह है आपके जरिए सरकार को भी आग्रह है हम तो फिर जीत जाएंगे बिल में लिखा है कि जीतने हारने का हम जीत जाएंगे फिर बिल में लिखा है कि जीतने हारने का बस जीत जाएंगे सर तो लेकिन इनको तो चुप करवाइए इनसे दिल्ली चली गई इसलिए बस हाँ MCD दिल्ली में 3 सरकारें हैं सर MCD DDA और अरविंद केजरीवाल मतलब बैठिए माननीय सदस्य ने वरिष्ठ सदस्य ज्ञान दे रहे हैं आपको लीजिए
रजिस्ट्रेशन के बिल पर हम बहस कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के कार्यकलाप पर बहस नहीं कर रहे हैं। अगर दिल्ली के कार्यकलाप पर बहस करना हो तो उसके लिए अलग से समय तय कर दीजिए, डिबेट हो जाए। ठीक है माननीय सदस्य। सर मैं इनकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ, लेकिन पिछले 3 घंटे से यही हो रहा था जो अब ये कर रहे हैं। दो गालियां मान्यवर मान्यवर दो गालियां धरती पर हैं बेटिए, वो हमें एक मिनट बेटिए, हो रहा होगा। मेरी मौजूदगी में विधेयक के अलावा कोई शब्द बोला ज्यादा इसके अलावा तो मैं नेक्स्ट माननीय सदस्य को बुला दूंगा। बोलिए आप बिल पे बोलिए। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे मौका मिला है, आप भी शांत रहिए, उनको बिल पे बोलने दीजिए। मान्यवर मैं बहुत बड़ा स्टायरिस्ट हूं, मतलब मैं अपनी इज्जत बहुत करता हूं, मैं अपने आप को मान साहब कह के बुलाता हूं, चैटी बिगिन एट होम। अगर मैं मान साहब नहीं कहूंगा तो फिर मुझे कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा फिर तो। सर मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये बता दीजिए, अरविंद केजरीवाल को गालियां क्यों दे रहे हैं ये लोग? देखो, हम अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का बिल जो कैबिनेट ने 2015 में नवंबर 2015 में कैबिनेट ने पास कर दिया था, जो दिल्ली की कैबिनेट ने, अब तक लागू क्यों नहीं किया? अब आ गया क्योंकि इलेक्शन आ रही है। सर ज्यादा जोर से मत बोलो, दारा सीपीडी भी लग जाएगी। नहीं सर, सर मेरा गला बहुत कमाल है। नहीं नहीं, इसको जार जार से तोड़ बोल दबा रहे हो ना, अब आप कहिए टूट दे तो धारा 3PD लग जाएगी आपके। मान्यवर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब ये बिल अब क्यों आ रहा है? क्योंकि चुनाव है। राहत इंदौरी का एक शेर है, वो कहके मैं बैठ जाऊंगा कि सरहद पर चुनाव नहीं, सरहद पर तनाव है क्या? पता करो चुनाव है क्या?